Hello everyone, class 10, Vishay Hindi, Prakaran, Pad Parichay. Dear students, देखिए आज हम नया topic start कर रहे हैं, ठीक है? आपके grammar में मैंने आपको वाक्य करा दिया, ठीक है? वाक्य के बाद पद परिचय, आपके grammar के जो topic हैं, वो एक बार मैं आपको बता दूँ, कौन-कौन से topic हैं आपके grammar में, जो आपके syllabus में हैं, वाक्य पद परिचय सॉरी वाक्य वाच्य पद परिचय और रस, ठीक है? ये चार टॉपिक हैं आपके ग्रामर के। उसके बाद पात्र निबंध, ठीक है, विज्ञापन, ये आपके ग्रामर के बस यही टॉपिक हैं क्लास 10 में, जिसमें मैंने आपको वाक्य समझा दिया, वाच्य समझा दिया, तरीका बता दिया कैसे एग्जाम में आते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अपना पद परिचय, ठीक है? पद परिचय, जैसे कि हम नाम से देखें पद परिचय, ठीक है? अब पद परिचय को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि पद क्या है, पद किसे कहते हैं, ठीक है? पद क्या है, उसके बाद हम कर पाएंगे पद परिचय क्या है, उसे हमें कैसे करना है, ठीक है? पद पद किसे कहते हैं? जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। पद जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है? जैसे राम, राम एक शब्द है, मोहन शब्द है, काला शब्द है, पीला शब्द है, सोना एक शब्द है। लेकिन जब हम इसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देंगे, जैसे मैंने लिखा राम बाजार जाता है, ठीक है? राम का हमने व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में प्रयोग कर दिया, राम शब्द का व्याकरण की दृष्टि से हमने वाक्य में प्रयोग किया, वो राम ही क्या बन गया? पद। समझ आया पद क्या है? जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है, ठीक है? जब हम शब्द का व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है? फिर आता है पद परिचय। एक बार और आप पद देखिए। जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द क्या बन जाता है? पद, ठीक है? अलग से शब्द का कोई अर्थ समझ नहीं आता, जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो हमें पूरा एक अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है? पद। जैसे मैंने लिख दिया मोहन, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया सीता, ये अलग से क्या शब्द, और अगर मैं ये वाक्य बना दूँ मोहन बाजार जाता है तो मोहन वाक्य में इसका प्रयोग कर दिया तो मोहन जो शब्द है वो क्या बन गया हमारा? पद। सीता गा रही है, सीता क्या हो गया? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। समझ आया? अब हमारा टॉपिक है पद परिचय, ठीक है? परिचय जैसे कि आप जानते हैं इंट्रोडक्शन, अब आपसे कहा जाए आप अपना परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दो, तो हम अपने बारे में सब
विकारी पद और अविकारी पद। पद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद क्या है? जिन पदों का स्वरूप, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, देखिए, जिन पदों का स्वरूप, उसके लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार प्रयोग करने पर उसका परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, उसे तो क्या कहते हैं? विकारी पद कहते हैं। ठीक है, विकारी पद लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है, उनका स्वरूप बदलता रहता है, उसे विकारी पद कहते हैं। विकारी पद चार प्रकार के होते हैं। ये चार होते हैं विकारी पद, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, विकारी पद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, विकारी पद क्या है? जिन पदों का स्वरूप, उनके लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित होते रहते हैं, उसे विकारी पद कहते हैं। विकारी पद कौन कौन से? चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे अविकारी पद। अविकारी पद को अव्यय भी कहा जाता है। आपको मैंने अविकारी पद को क्या कहते हैं? अव्यय। अविकारी पद को अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, जो पद लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। ठीक है, विकारी पद लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि अविकारी पद जो पद लिंग, वचन, काल, कारक से अप्रभावित रहते हैं, उनका हम जो का त्यों प्रयोग करते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसे अविकारी पद कहते हैं। अविकारी पद के कितने हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बेटा, ये सब आपको मैंने इसलिए समझाया, हमें पद परिचय करने के लिए हमें इन सब के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, हर कक्षा में आपने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, विशेषण, क्रिया, ठीक है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, पद परिचय के लिए हमें इन सब का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जब तक हम इन सब के बारे में हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा तो हम पद परिचय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सब समझाने के लिए अब मैं आपको शॉर्ट में एक एक के बारे में सब कुछ समझाऊंगी, क्योंकि ये सब आप पूर्व क्लासेस में सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, संज्ञा के बारे में बताऊंगी, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके भेद, संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है, इन सब का ज्ञान मैं आपको कराऊंगी, आपको ये सब समझाऊंगी, उसके बाद हम पद परिचय कर पाएंगे। ठीक है, कि पद परिचय हमें कैसे करना है। देखिए बेटा, जैसे आपको मैं समझा रही थी विकारी पद, अविकारी पद, विकारी पद कौन कौन से बताए आपको? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी पद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन सबको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, लेकिन बेटा आपको पद परिचय करने के लिए हमें इन सब चीजों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भेद
संज्ञा के बारे में बताए। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति, भागी के भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को फिर दो भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये अभी एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अभी मैं ये आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के छह भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषण, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं? जिन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण। और विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं? चार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसके बाद है क्रिया। क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। माँ खाना बनाती है, बनाना क्या है? क्रिया। मोहन पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? क्रिया। बच्चा सो रहा है, सोना क्या है? क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। जैसे पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? जैसे मैंने बोला पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया। बच्चा पढ़ता है, अकर्मक क्रिया। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ। इसके बाद काल। ठीक है, काल किसे कहते हैं? काल मीन्स टाइम। ठीक है, जो कार्य जिस समय में हुआ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? काल। कार्य के होने या करने के समय को काल कहा जाता है। इंग्लिश में भी आप लोगों ने पढ़े टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ऐसे ही हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। राम पढ़ रहा है, भूतकाल, सॉरी वर्तमान काल। फिर है भूतकाल, मैं कल अलवर गया था, भूतकाल। भविष्य काल, मैं कल अलवर जाऊंगा, गा गे गी लगा, भविष्य काल। था थे थी भूतकाल और पढ़ रहा है वर्तमान काल। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं? क्रिया के होने या करने के समय को क्या कहते हैं? काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर इसके बाद हमें कारक का भी ज्ञान होना चाहिए। कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं आठ। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हमें बताना होगा लिंग। लिंग क्या है? राम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या एक से अधिक। वचन क्या होगा? एक वचन। एक वचन। और क्रिया का राम खाना खाता है कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक है, ये आपका पद परिचय इस तरीके से आपको करना होगा। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी बेटा। ये मैंने आपको इसके उदाहरण के माध्यम से समझाया कि इन सब चीजों का हमें पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। पद परिचय इस तरीके से करना होता है। हमें वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है उसके बारे में सबसे पहले तो ये बताना होगा जिसका परिचय पूछा जा रहा है। उस शब्द पद के नीचे अंडरलाइन होगा। सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा वो पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके बाद हमें ये लिखना होगा भेद। ठीक है, फिर उपभेद, जैसे सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, संज्ञा है तो कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद है, विशेषण है तो विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना होगा लिंग कि उस जिस पद की जो बात हो रही है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर वचन और उसके बाद कारक। पद परिचय में हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। इस तरीके से पद परिचय किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये संज्ञा के एक एक भेद के बारे में अच्छे से समझाऊंगी, संज्ञा की परिभाषा समझाऊंगी, भेदों की परिभाषा समझाऊंगी, फिर सर्वनाम के बारे में समझाऊंगी, फिर विशेषण, क्रिया, काल, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये सब मैं आपको अगली कक्षा में धीरे धीरे समझाऊंगी, तभी आपके पद परिचय लगेंगे। एक उदाहरण मैंने इसलिए बताया कि आपको ये